Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata श्रीमद् भागवतम के ऊपर दूसरा स्कंद है, पांचवा अध्याय है, श्लोक संख्या है 30। कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारण, ये शीर्षक है इस अध्याय का। और हमने काफी सारे इसमें श्लोक देखे हैं जिसके अंदर ब्रह्मा जी जो है नारद जी को बता रहे हैं कि भगवान की शक्तियां क्या हैं और हर कारण के कारण भगवान कैसे हैं। तो कल बहुत ही सुंदर क्लास था, काफी जो महत्वपूर्ण विषय जो थे गोपी मनोहर प्रभु ने बहुत ही सरलता से हमको सिखाए और बहुत ही सरलता से उन्होंने हमको समझाया। तो आज एक उससे ज्यादा जटिल एक जो विषय है वो आज के एक श्लोक के माध्यम से हम प्रयास करेंगे उसको समझने का। काफी जटिल है और हम सब उस जटिल विषय से जूझ रहे हैं, तो मैं प्रयास करूंगा जो मैंने सुना है उसके माध्यम से हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। और अंत के अंदर हम जो इसका चर्निंग जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो श्लोक शुरू करते हैं। उससे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलो द्वांतो उदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित, यदि दास्यासि मे कामान् वरं त्वां वरदर्शव, कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु व्रणे वरं, श्रुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णश स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना, तैव पश्यन्ति न चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। त्वयि मेवन्य विषयात् मतिर्मधुपतेशकृत् रतिमुद्वता अद्या गंगे गौमौदति, आयुर्हरति वै पुंसां मुद्यन् अस्तञ्च यन् असौ, तस्यार्थे यत् क्षणो गीता उत्तम श्लोक वार्तया। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाम्बिकां तं सजीवं साद्वैतं सावतूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखाम्बितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणाम, वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक संख्या 30। वैकारिकान मनोजज्ये देव वैकारिकादश, दिग्वातार्क प्रचेस्तो अस्वि वह निंद्रोपेन्द्र मित्र का।
ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद. फ्रॉम द मोड ऑफ गुडनेस द माइंड इज जनरेटेड एंड बिकम्स मैनिफेस्ट एज ऑल्सो द 10 डेमिगॉड्स कंट्रोलिंग द बॉडीली मूवमेंट. Such demigods are known as the controller of directions, the controller of air, the sun god, the father of Daksha Prajapati, the Ashwini Kumaras, the fire god, the king of heavens, the worshipable deities in heaven, the chief of Adityas and Brahmaji, the Prajapati, all come into existence. Purport काफी बड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण purport है. अगर इस purport के through जाएंगे तो काफी समय निकल जाएगा क्लास का. तो सबसे अनुरोध है कि आप ये ध्यान पूर्वक ये जो है परपट तात्पर्य है वो पढ़िएगा. बहुत सुंदर है और बता रहे हैं कि किस तरह जो है मतलब तो हम किस तरह फंसे हुए हैं इस भौतिक जगत के अंदर, हम कैसे कैसे कार्य करने कर रहे हैं जो हमको नहीं करने चाहिए. तो संक्षेप में हम इसका जो है चर्चा करेंगे क्लास के माध्यम से. मगर सबसे अनुरोध है कि ध्यान पूर्वक ये जो तात्पर्य है पढ़िएगा. बहुत सुंदर है और बहुत एप्ट है जो हमारे आजीवन जब हमारा जीवन है भौतिक जगत के अंदर हम जो जी रहे हैं उसके ऊपर प्रभुपाद ने बहुत जो सोच समझ कर इतना अच्छा तात्पर्य दिया है. तो उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा. तो यहाँ पर इस श्लोक से जो है कल गोपी मनोहर प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से हमको सब बताया था कि किस तरह मतलब उन्होंने पूरा संक्षेप में 2.5.22 22वें श्लोक से लेके 29वें श्लोक तक जितना था उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से शॉर्ट में हमको समझाया. और साथ ही साथ उन्होंने बाद में ग्रुप के अंदर मैसेज भी डाला हुआ है तो वो बहुत मतलब हेल्प करेगा. तो वो मैंने नोट्स जो है कॉपी करके रखे हुए हैं, ये कभी हमको हमारे समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा. तो आज का जो विषय है इसके अंदर जो पहले पहले यहाँ पर अगर हम देखना जाएं जब ये तात्पर्य मैंने पढ़ा था तो उसके अंदर से जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है वो है इन श्लोका 30 द ओरिजिन ऑफ माइंड इज डिस्क्राइब्ड. ये जो मन है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से शुरू होता है, तो उसके बारे में चर्चा की गई है. तो इन पहले मन की उत्पत्ति कह सकते हैं कि मन कहाँ से उत्पन्न होता है इसके बारे में बताया गया. और ठीक और भी बातें हैं इसके अंदर जो मतलब बता रहे हैं 10 देवता गण हैं जो दूसरे दूसरे जो कार्यों को करते हैं उनकी उत्पत्ति होती है. तो यहाँ पर जो मन है मन के बारे में बताया गया है कि मन की उत्पत्ति कैसे होती है. अभी सबसे हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन के कारण हम दुखी होते हैं या मन के कारण हम आनंदित होते हैं. तो इस श्लोक के माध्यम से और इसके तात्पर्य के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हम जीवन में आनंदित कैसे रह सकते हैं. तो अगर कोई मतलब इसको बहुत गहराई से सोचे तो हमको इस श्लोक के तात्पर्य से तो पता चल सकता है कि हम अपने आप को आनंदित कैसे रख सकते हैं. तो आज उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि मन को कैसे कंट्रोल करें. हालांकि बहुत बहुत मुश्किल विषय है और कहना बहुत आसान है मगर उस पर अमल करना, उस पर चलना, उस मार्ग पे चलना, उस पथ पे चलना कठिन है. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कठिन है तो हमको कार्य नहीं करना. आदमी लोगों ने इससे बड़े बड़े भयंकर कार्य किए हुए हैं, मतलब इससे बड़े नहीं, मन से बड़ा तो कोई कार्य नहीं है. उसको कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं है. तो इन द भगवद गीता माइंड इज सेड टू बी वन ऑफ द वर्स्ट एनिमीज और वंस बेस्ट फ्रेंड. ये हमने भगवद गीता के 6 अध्याय के 5 श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं. भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आत्मैव हि आत्मनो बंदुर, यानी बंदुर का मतलब होगा फ्रेंड. उसके बाद में आत्मैव रिपुर आत्मनः, रिपुर का मतलब होता है जो आपका एनिमी, आपका दुश्मन, आपका शत्रु. तो भगवान स्वयं ये कहते हैं कि जो मतलब आपका जो मन है वो आपका बहुत ही अच्छा, गहरा, बहुत ही
जो बोलता है ना पक्का दोस्त बन सकता है, और ये मन ही है जो आपका सबसे बड़ा शत्रु मतलब है। तो आप ये जरा मतलब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि इतना बड़ा शत्रु जो सबसे बड़ा शत्रु है उसके साथ में वो हमारे साथ में रहता है और हम उसको पहचान भी नहीं पाते। मतलब ये तो कितनी एक जटिल बात है कि सबसे बड़ा शत्रु हमारे साथ में रह रहा है मगर हमको उसके बारे में जानकारी नहीं। ये भक्तों के बारे में नहीं है, ये भौतिकवादियों के बारे में है कि भौतिकवादी और इवन भक्तों के साथ भी मन के साथ में है, मन तो सभी के साथ में, मगर वो या तो हमारा सबसे अच्छा मित्र है या सबसे बड़ा शत्रु है। तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं आज की क्लास के माध्यम से। तो भगवान यहाँ पर ये छठे भगवद गीता के छठे अध्याय के पांचवें श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि जो मन है वो योगी का सबसे बड़ा शत्रु। When the mind is controlled, it is a friend. अगर मन को आपने आपके वश में रखा है, आपने इसको कंट्रोल में रखा है, तो वो आपका सबसे अच्छा मित्र है। And when it is not under control, या when it is uncontrolled, it is an enemy. वो आपका शत्रु है। The uncontrolled mind is the worst enemy because it impulses to do things that we are not supposed to do. ये जो अनकंट्रोल जो हमारे जिसको बोलते हैं कि हमारे वश में नहीं है, अगर मन हमारे वश में नहीं है, हमारे आदेशानुसार नहीं चलता, तो वो सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों वो सबसे बड़ा शत्रु है? क्योंकि वो आपको ऐसे ऐसे कार्य करवाएगा, ऐसे ऐसे कार्य करवाएगा कि आप फंसते जाओगे और आप और दुखी होते जाओगे। अनदर वर्स्ट थिंग इज दैट वी फील दैट इट इज अच्छा, ये हमसे गलत काम करवा भी रहा है तभी हम वही सोचते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा है, मेरा अच्छा मित्र है, ये मेरे से सब काम करवा रहा है, अच्छा काम करवा रहा है, और हम उसे और आनंदित होते हैं। मतलब अगर जब हम कर रहे होते कार्य, गलत कार्य कर रहे हो, तभी हमको वो हमको जो है प्रेरित करता है और हम आनंदित होते हैं, और बाद में उसके रिजल्ट होते हैं तब हम दुखी होते हैं, तब हमको ये नहीं लगता कि भाई और मन ने ऐसा करवाया था मगर हमने तो कर दिया, किया किसने, हमने किया, तो दुखी तो हो गए बाद में गलत कार्य करने। सिमिलरली द कंट्रोल माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर जो है क्या बताते हैं कि जो कंट्रोल्ड है, अगर जो मन को हमने अपने वश में किया हुआ है, तो वो हमारा सबसे अच्छे में अच्छा मित्र है। तो मित्र जो होता है, मित्र क्या करता है, मित्र के गुण क्या है, तो सही माने में जो सही मित्र है उसके क्या गुण है, एक तो जो मित्र होता है वो हमेशा हमको हेल्प करता है, दूसरा हमको गाइड करता है, और तीसरा जो हमेशा हम अपनी तरह से कंट्रीब्यूट करता है, कुछ ना कुछ हमको मदद करता है। तो हेल्प करता है यानी वो क्या करता है, यानी वो हमारी सहायता करता है। दूसरा वो गाइड्स, ही गाइड्स अस, जो रियल फ्रेंड विल गाइड यू, तो वो आपको मार्गदर्शन दिखाता है कि सही मार्ग क्या है, और आप जो कार्य करते हो उसमें वो कंट्रीब्यूट करता है, यानी वो योगदान देता है। तो सही माने में जो वो आपका सही मित्र है। तो अगर हम भगवान की और गुरु की बातें सुनेंगे तो हम भगवान के साथ में जाएंगे, जहां पर परम आनंद है, जहां पर द अल्टीमेट डेस्टिनेशन हमारा है और अल्टीमेट वहां पर आनंद है। तो अगर हम भगवान की और गुरु की बातें उनका उनके इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, ठीक, मगर अगर हम नहीं सुनते हैं तो वील हैव टू रॉट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, यानी हमको इस भौतिक जगत के अंदर सड़ना पड़ेगा। ये जो चार चीजें हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इन चक्करों के अंदर पड़े रहेंगे और 84 लाख योनियों के चक्कर में हम फंसे रहेंगे। आजकल हुआ क्या है कि हम अपने मन को गुलाम करना चाहिए हमको, मगर हम मन के गुलाम हैं। अगर हम माइंड शुड बी अवर स्लेव, बट रादर वी आर द स्लेव ऑफ द माइंड। हम मन की बातें सुनते हैं, हम मन के बारे में करते। तो जैसे गौर गोपाल बताते हैं कि जो मन की बात सुने, जो मन की बात सुने वो मंकी। मंकी की बात क्या होती है, वो हमेशा क्या करता है, मंकी कभी भी एक जगह पर बैठता नहीं है, उछलता कूदता है, कोई उपद्रव करते रहता है। तो जो मन की बात सुने वो कौन है, वो मंकी, यानी उसकी हरकतें कैसे होगी,
मंकी जैसे हरकतें होंगी, तो वो मंकी, ये मंकी यानी बंदर, बंदर कैसे हरकतें करता है हम सब जानते हैं। और ऐसा मंकी, कोई एक मंकी है उसको मेरे डैडी कहते थे, अगर एक तो है मंकी, गुजराती में कहावत है, एक तो वांदरो नहीं इन्हें पछी तमें दारू पिवड़ाओ, यानी एक तो बंदर है और उस बंदर को आप शराब पिला दो तो कैसे हरकतें करेगा। तो कहने का अर्थ ये कि मन को हमको कंट्रोल कर। तो एक छोटी सी कहानी आती है, दो चूहे थे, वो दूसरे चूहों के साथ में वो रात को निकले भोजन की तलाश के अंदर। तो एक घड़ा था, घड़े के अंदर दही पड़ी हुई थी, मगर वो दही जो घड़ा था पूरा भरा हुआ नहीं था, वो 3/4 यानी 3/4 वो भरा हुआ था। तो ये सब जो है, चूहे रात को निकले और उन्होंने जाके वहां पर देखना शुरू किया कि कहाँ गए, मतलब कहाँ पे से खाना मिलेगा। तो ये दो जो चूहे थे ना, वो मटके के किनार के ऊपर पहुंच गए और वो नीचे देख रहे थे, और उनको इच्छा हो गई कि चलो हम जाके ये सफेद सफेद जो चीज है इसको खा के देखते हैं क्या चीज है। तो उन्होंने, वो जैसे ऊपर घूम रहे थे, तो हुआ यूं कि वो दोनों जो चूहे हैं वो फिसल के जो है मटके के अंदर गिर गए। अभी 3/4 मटका भरा हुआ है दही से, और ये चूहे जो थे अंदर गिरे, तो बाकी के चूहों ने देखा कि ये दो चूहे अंदर गिरे हैं, तो बाहर से सब चिल्लाने लगे कि 3/4 ही मटका खाली सिर्फ भरा हुआ दही से, तो तुम लोग ऊपर आ नहीं पाओगे, तुम लोग ऊपर आ नहीं पाओगे। तो बाहर जितने भी चूहे थे वो बोल रहे थे। तो ये जो दो चूहे थे, इन्होंने प्रयास करना शुरू किया बाहर निकलने का, तो वो हड़बड़ा के बहुत जोर जोर से अपने हाथ पैर जो थे इनके हिलाने लगे, मगर हुआ नहीं। तो उसमें से एक चूहा जो था उसने बाहर वालों की बात सुन ली और उसने जो है प्रयास करना बंद कर दिया, मगर जो दूसरा चूहा था वो प्रयास करता रहा करता रहा करता रहा। तो हुआ यूं कि जो पहला वाला चूहा था वो दही में डूब के मर गया, जो बाकी का जो दूसरा वाला चूहा था उसने जो प्रयास किया तो दही को इतना उसने फेंटा कि वो दही के अंदर से मक्खन बन गया, और मक्खन तैर के मक्खन का एक ऐसा माउंटेन जैसे अंदर बन गया। तो वो काफी जो मटके के रिम तक पहुंच सकता था, तो धीरे धीरे वो मक्खन के ऊपर चढ़ा, मक्खन से बाहर कूद के वो बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब है, अगर हम द माइंड कैन बी द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन, तो यहाँ पर वही देखिए, माइंड कैन बी कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन। तो एक जन के लिए वो बॉन्डेज का कारण बन गया, यानी उस चूहे के लिए जिसने बाहर वालों की बातें सुनी, भौतिकवादों की, भौतिकवादी जो लोग हैं उनकी बातें सुनेंगे तो हम मटके के अंदर डूब के मर जाएंगे और फिर 84 लाख के चक्करों के अंदर पड़े रहेंगे। मगर अगर हम अपने मन की, जिसके अंदर भगवान परमात्मा बैठे हुए हैं और गुरु के माध्यम से हमको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, अगर उसको हम सुनेंगे तो हमको लिबरेशन मिल सकता है, जिस तरह उसको, उस चूहे को, दूसरे वाले चूहे को मुक्ति मिल गई। तो हमारे सही मार्ग के अंदर, सही डायरेक्शन के अंदर अगर हम कार्य करेंगे तो हमारा जो मन है वो हमारा मित्र बन सकता है, और अगर हम गलत कार्य के अंदर या गलत डायरेक्शन के अंदर या गलत मार्गदर्शन हमको मिलता है तो हम इस भौतिक जगत के अंदर फंसे रहेंगे, एंड विद कॉज ऑफ बॉन्डेज। मन तीन स्थितियों में क्या कार्य करता है, तो श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर बताते हैं कि तीन चीजें मन करता है। एक है थिंकिंग, दूसरा है फीलिंग, एंड तीसरा है विलिंग। तो थिंकिंग है, थिंकिंग यानी वो सोचता है, तो हम सब सोचते हैं, हम, ये हमारा अनुभव है कि हम सब सोचते हैं किसी न किसी चीज के, किसी न किसी विषय के बारे में। उसके बाद में मन क्या करता है, थिंकिंग के बाद ना, तो फीलिंग, बाद में जो हमने सोचा है उसके बारे में हम अनुभव करते हैं। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, समझ लीजिए कि किसी ने आपको कुछ ही जो बुरे शब्दों के साथ में आपको संबोधित किया, और आपको मतलब आपसे वो रूठा हुआ था, उसने आपको बुरे शब्दों से आपको उसने संबोधित किया, तो आपको क्या होता है, आपके मन में आता है, आपको फिर आप पहले उसके बारे में सोचते हो कि उसने मुझे क्या कहा, फिर आप उसके बारे में अनुभव करते हो। अनुभव क्या करते हो, तो आइदर अगर उसने आपके लिए अच्छे शब्द यूज किए होंगे तो आपको अच्छा लगता है, आप यू गेट यू फील ग्रेट, आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है और आप प्रेरित हो जाते हो उनके उसके शब्दों से।
अगर उसने गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, गलत शब्द उसने उपयोग किए हैं, तो आप क्या करते हो, आप उससे या तो मिजरेबल हो जाते हो या फिर दुखी हो जाते हो, और आप दुख दुख के कारण इतना दुखी हो जाते हैं तो आप रोने लगते हो। तो पहले पहले क्या था, आपने सोचा कि उसने क्या कहा था, उसके बाद में आपने अनुभव किया वो दुखी वाले शब्द थे या सुखी वाले शब्द थे। उसके बाद में तीसरा हिस्सा आता है विलिंग। ये जो है विलिंग का मतलब होता है इच्छा करना। तो ये मन करता है, पहले क्या करता है थिंकिंग यानी सोचता है, उसके बाद में फीलिंग, उसके बाद में विलिंग। जो विलिंग करना वाला हिस्सा है तो आई वॉन्ट टू डू दिस, उसके बाद में क्या करता है, जब ये सोचता है कि इसने मेरे साथ में बदतमीजी की, इसने मेरा जो है अपमान किया, इसने मुझे अपशब्द कहे हैं, तो वो क्या करता है, वो मन फिर उसके बाद में इच्छा करता है कि अब मैं इसको जाके सुनाऊंगा, और जब तक मैं इसको सुनाऊंगा नहीं, जब तक मैं इसकी बेइज्जती नहीं करूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो ये तीन चीजें, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, इज द वर्क ऑफ मन। अभी यहाँ पर वी ऑल गो थ्रू थिंकिंग फीलिंग, हम सब इस मतलब दौर से गुजरते हैं, थिंकिंग भी करते हैं, फीलिंग भी करते हैं, विलिंग भी करते हैं। व्हेन ऑल दिस टेक प्लेस इन द माइंड, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन दैट थिंकिंग एंड फीलिंग इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर बताते हैं कि जो थिंकिंग है यानी सोचना और फीलिंग यानी अनुभव करना, ये दो जो चीजें हैं ये हमारे वश में नहीं है, आप उसको रोक नहीं सकते, किसी न किसी तरह से वो घूम के वो आपके दिमाग में आएंगे, किसी न किसी तरह आप विचार आपके दिमाग, किसी न किसी तरह से आपको वो अनुभव होगा कि आपको दुख अनुभव होगा, ये दो चीजें आपके वश में नहीं है, आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वी कांट हेल्प इट, मतलब शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हम इसके अंदर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, वी आर सो हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ द माइंड, हम लोग जो है असहाय हैं, मन के आगे हम असहाय हैं। द मेमोरीज कम अप एंड मेक अस फील मिजरेबल, जो ये यादें हैं वो हमारे साथ हमारे आगे आ जाती है और हमको गुस्सा दिलाती है, या तो हमको हमारे अंदर एक जो हल्कापन आ जाता है, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, हमारे अंदर बदले की भावना आ जाती है, हमारे अंदर जो है क्रोश आ जाता है, और हम जो है और एक तरह से हमारे हृदय के अंदर जैसे कहते हैं एनवी, वो उत्पन्न होती है, किसी के प्रति जो है ईर्ष्या पैदा उत्पन्न होती है। Therefore, thinking and feeling is beyond our control. श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम इसको कर कंट्रोल, बट विलिंग इज श्योरली अंडर आवर कंट्रोल, यानी हमको क्या करना है। विलिंग विलिंग में कैसा था, इच्छा करता है, इच्छा क्या करना है कि अभी मैं इसे बदतमी इसको मैं तो छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी बेइज्जती की है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो जब ऐसे विचार आते हैं, अभी जैसे ये उदाहरण के ऊपर, जैसे किसी ने आपकी बेइज्जती की या किसी ने आपके लिए अशब्द यूज किए हैं, तो आप उसके उसमें आप विलिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो तब श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम ऐसे स्थिति के अंदर कैसे रिएक्ट करें। तो तब हमको मतलब ये प्रश्न अपने आप को करना चाहिए कि उसने मेरी बेइज्जती की तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या फर्क पड़ता है। जब हमारे मन में ये हमारा मन इच्छा करेगा, और बाद में दूसरा शब्द ये आता है कि क्या मैं इस मतलब जैसे अपना सनातन प्रभु ने बताया था कि एक देश है, एक देश मतलब भारत देश है, भारत देश किसके अंदर है, मतलब वर्ल्ड के अंदर है, तो वर्ल्ड कितना बड़ा है उसके कंपैरिजन में, पहले पहले तो हम ये देखेंगे कि हम कहाँ पर हैं। तो हम जैसे थाना के अंदर हैं, थाना कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र के अंदर आता है, महाराष्ट्र कहाँ आता है, इंडिया के अंदर आता है, इंडिया कहाँ आता है, वर्ल्ड के अंदर आता है, वर्ल्ड कौन सा कहाँ पर आता है, अर्थ के ऊपर, अर्थ के बाहर क्या है, तो इतने ब्रह्मांड हैं, उसमें थाना के अंदर एक जीव उद्धव पृष्ठ अगर वहां रहता है तो उसकी क्या अहमियत है। तो हम जब अगर ऐसा सोचेंगे तो हमको लगेगा अरे यार सही बात है, मैं कौन सा इधर पूरे ब्रह्मांड का जो है अधिपति हूँ, थाना के एक छोटे से घर के अंदर वन बेडरूम हॉल के अंदर मैं रह रहा हूँ। तो अगर ऐसे विचार जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी विलिंग के अंदर फर्क आ जाएगा, और हम वो जो तीव्रता से हम जो उसका अपमान करने का प्रयास करेंगे वो हम नहीं करेंगे, और वो हम कार्य नहीं करेंगे।
तो इफ वी हैव प्रॉपर गाइडेंस थ्रू स्क्रिप्चर्स, अगर हमको जो सही माने में हमारे स्क्रिप्चर्स के माध्यम से हमको मार्गदर्शन मिलेगा तो हम ये कार्य नहीं करेंगे। तो इसके संबंधित सर्वभौम प्रभु बहुत अच्छा बताते हैं कि हमारा जो मन है वो मन कहता है कि आज मुझे जलेबी खानी है, तो वो कब वो पहले पहले तो उसके मन में क्या है, थिंकिंग एंड फीलिंग। तो उसको पहले थिंकिंग क्या आ गई कि भाई मुझे जलेबी खानी है, और वो थिंकिंग कहाँ से आई, तो रास्ते पे चल रहा था तो रास्ते पे कहाँ गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी, उसकी खुशबू से उसके नाक नथुनों के अंदर उसकी जो गंध गई, तो उसको मन में ये आया कि आज मुझे जलेबी खानी है। उसके अंदर फीलिंग आती है, फीलिंग कैसे आती है कि अरे यार इसकी जलेबियाँ बड़ी अच्छी बनती है और इतनी मधुर है, आज मुझे कुछ मीठा खाना है, तो ये फीलिंग आ गई। मगर उसके अंदर विलिंग क्या है, विलिंग यानी आप अपने अंगों को वहां पर भेजो, यानी आप अपने शरीर को वहां पर ले जाओ, यानी आपके पैर आपको वहां ले जाते हैं, आपके हाथ आपके बटुए में जाते हैं, पैसे निकालते थे। तो जो विलिंग है उसको नहीं करना है, आपको थिंकिंग एंड फीलिंग तो आएंगी, उसको आप रोक नहीं सकते। तो ये एक तरीका है अपने मन को कंट्रोल करने का। दूसरा एग्जाम्पल आता है एक पंछी होता है जिसे सबने जाना होगा, गरुड़, इसको इंग्लिश में ईगल कहते हैं। वो ईगल एक ऐसा पंछी है जो सबसे ऊंची उड़ान उड़ता है, सबसे ऊपर जाता है। तो ये जो ईगल होता है, ईगल के ऊपर ईगल के पीठ के ऊपर एक छोटा सा बर्ड होता है, बहुत छोटा बर्ड होता है, उसका नाम है रेवन, उसको रेवन कहते हैं, RAVEN। वो क्या करता रहता है, वो हमेशा वो जो गरुड़ है, गरुड़ की पीठ पीठ और उसकी गर्दन के ऊपर चोंच मारते रहता है, उसको हमेशा परेशान करते रहता है, और वहां से वो कुछ कीड़े हैं या कुछ भी वो खाते रहता है वो रेवन। मगर ये चोंच जब मारता रहता है तो ईगल है ना उस पंछी को उड़ाने का प्रयास नहीं करता। ईगल क्या करता है, ईगल और ऊपर उड़ान उड़ाता है, उड़ता है, और जब वो एकदम ऊपर उड़ जाता है तो ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर जो ईगल है वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की लेवल कम होती है, तो वहां पर वो सर्वाइव कर सकता है। मगर ये रेवन है वो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सर्वाइव नहीं कर पाता, तो वहां से वो अपने आप उसके पीठ पे से उड़ के नीचे गिर जाता है, वो मूर्छित होकर वहां से नीचे गिर जाता है। तो इस तरह जो हमको ईगल से यानी गरुड़ से हमको ये सीखना चाहिए कि कोई भी कोई कितना भी बोलते रहे उसकी बातों को सुनना नहीं है। भौतिकवादी बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं तो उनको सुनना नहीं है, उनको सीरियसली नहीं लेना है, और हम आगे अपनी अपनी हाइट्स पकड़नी है, यानी हमको आध्यात्मिक स्तर पे और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो अपने आप ये जो बोलने वाले हैं अपने आप ये चुप हो जाएंगे। तो ये दूसरा एक उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण हमने देखा, अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके साथ में देखिए कैसे कंपेयर किया है, मतलब इस लेक्चर के अंदर शेर होता है, शेर मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल, बहुत ही मजबूत, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खूंखार जानवर है। एंड वी डेयर नॉट ग्रो क्लोज टू अस, और ऐसे जो है जो शेर है उसके आगे हम जा नहीं सकते। बट द सेम लायन विथ ऑल द स्ट्रेंथ, वही जो शेर है, पूरी शक्तिशाली वाला शेर, पूरे पावर वाला शेर, पूरे खूंखार जो शेर है उसको, और जंगल का राजा, वो भी कभी कभी असहाय हो जाता है। उस असहाय कब हो जाता है, जब उसके ऊपर एक छोटी सी चिड़िया उसके ऊपर पीठ पे आकर बैठ जाती है और वो उसके जो है ना उसको चोंच मारती रहती है। अभी वो इतना पावरफुल जंगल का राजा है वो शेर, वो भी कुछ नहीं कर पाता। वो क्यों कुछ नहीं कर पाता है, वो अपनी पीठ के ऊपर कैसे अपने मुंह घुमा के उसको पकड़ेगा, कैसे अपने पैर को जो है पीठ के ऊपर मारेगा उस चिड़िया को उड़ाने के लिए, तो वो कुछ नहीं करता, वो भी वहां पर असहाय हो जाता है। तो ठीक जो हम हैं, जो मनुष्य हैं, वो सोसाइटी के अंदर कितने, मतलब जो है हम लोग यहाँ पे सोसाइटी में रह रहे हैं, हम हमारे हमारा जो पावर है वो कहाँ से आता है, हमारे पैसे से आता है, हमारे पोजिशन से आता है, हमारी फेम से आता है, हमारे जो हम कितना इन्फ्लुएंशियल है उससे आता है, हमारे हमारे हुनर से आता है, हमारे अंदर कितनी हमने कितनी तालीम ली है उससे आता है। तो जस्ट उस शेर की तरह हम पावरफुल हैं सोसाइटी के अंदर, मगर इस शेर को कौन परेशान करता है, वो चिड़िया कौन है, वो है उसका मन।
जो मन है वो उस ऐसे जो इतने पावरफुल शेर को भी वो मन जो है प्रताड़ित करता है, उसको परेशान करता है। तो द ग्रेटेस्ट पावर इज नॉट मनी और पोजिशन, द ग्रेटेस्ट पावर इज टू इज अवर एबिलिटी टू टेक चार्ज ऑफ द माइंड। जो सबसे बड़ा जो शक्ति क्या है, अपने पास पावर या पैसे की शक्ति नहीं है, अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो सबसे बड़ी शक्ति है। तो इस मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए वो हमने पहले सुना कि हम आचार्यों के माध्यम से उनके जो वो जो हमको सिखाते हैं, वो जो हमको बताते हैं, उनके मार्गदर्शन पर अगर हम चलेंगे तो इस मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी स्थिति ये आती है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेट मी जस्ट कवर अनदर 5 मिनट्स। हमारी भक्ति जो है, हमारी जो भक्ति का स्तर कब जो है मतलब स्विच हैपेंस ऑफ माइंड बिकमिंग योर बेस्ट फ्रेंड, हमारी जो भक्ति है वो कौन से स्तर पर ये चेंज हो जाता है, उसका गियर चेंज। जैसे गाड़ी का गियर हम चेंज करते हैं तो गाड़ी का गियर जब हम फोर्थ या फिफ्थ गियर में, हरे कृष्णा मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज आ रही है आपकी प्रभु जी। तो हम ये देखते हैं कि गाड़ी का गियर हम चेंज करते हैं, गाड़ी के जब टॉप गियर में डालते हैं तब हमारी गाड़ी फिर हमको ध्यान, रास्ता पूरा आगे खाली है, हमको खाली एक्सीलेटर पे पैर रखना है, गाड़ी अपने चलेगी। तो ठीक उसी तरह ये जो स्विच ओवर होता है हमारे मन को, जो मन हमारा बेस्ट फ्रेंड कब बनता है और कभी तक ये जो मन हमारा सबसे बड़ा एनिमी रहता है। तो भक्ति के स्तर के ऊपर से लेक्चर के अंदर मैंने सुना था कि जब हम अनर्थ निवृत्ति तक जो है मन हमारा जो है वो हमारा कंट्रोल में नहीं रहता, यानी तब तक वो हमारा दुश्मन है या वो हमको करेक्शन करने की जरूरत है। एक बार जब हम निष्ठा की स्थिति पे आ जाते हैं तब हमारा मन जो है वो हमारा मित्र बनने का, मतलब मित्र बनना शुरू हो जाता है। तो ये मतलब इसके अंदर बताया गया था। तो उपनिषद के अंदर एक कहानी आती है, बृहत उपनिषद के अंदर ये कहानी आती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड, अपने मन की जो है महत्ता, मन क्या है, मन को कैसे। तो एक इसमें बात आती है कि सब जितने भी हम सब जानते हैं कि हम सब किसके जो है बच्चे हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के बच्चे हैं। तो वहां पर बताया गया है कि प्रजापति कौन है, प्रजापति एक तरह से तो बताया गया कि ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी से भी उत्पत्ति करते हैं। तो सब जो लिविंग बींग्स है, जो जितने भी जीव थे, वो प्रजापति के पास जाते हैं और प्रजापति से आशीर्वाद लेते हैं और अपने अपने कार्य पे जाते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स थे, यानी जो जीव थे, जो मनुष्य थे, वो भगवान के पास जाते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी जो है पूरी अभी पढ़ाई, जो हमारी जो भी आपने हमको बताया था, जो भी आपके माध्यम से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, अब वो ज्ञान प्राप्त करके हम अपना जीवन जाके व्यतीत करना चाहते हैं, तो आप हमें लास्ट आपका उपदेश दीजिए। तो ये कहानी, मतलब ये जो बात आ रही है बृहत उपनिषद से आ रही है। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास, अभी द ह्यूमन बींग्स आर क्लासिफाइड इंटू 3 कैटेगरीज, जो मनुष्य है वो 3 तरह के विभाग किए गए उनके अंदर। तो उसमें एक आते हैं देवता, दूसरे आते हैं असुर और तीसरे आते हैं मनुष्य। तो अभी ये 3 किस तरह से, मतलब उनका विभाजन किया हुआ है वो भी हमने अभी पिछले क्लासेस में सुना हुआ है। ये उनके गुणों के हिसाब से सत्व, रजो और तमोगुण के अंदर, जो देवता गण है वो सत्वगुण के अंदर है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रजोगुण के अंदर है और असुर जो है वो तमोगुण के हिसाब से उनको उनका विभाजन किया। तो ये जब तीनों जाते हैं प्रजापति ब्रह्मा जी के पास और उन पे जाके पूछते हैं कि हमारी अभी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, आप हमको बताएं कि हम ऐसा अभी हम अपना जीवन जाके व्यतीत करना चाहते हैं हमारे आगे का जीवन, तो आप हमको बताएं कि हम मतलब आपके लास्ट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो जब अभी देखिए वहां पर प्रजापति जब आते हैं तो प्रजापति आके
वो बोल जैसे ही वो मतलब पहले पहले ग्रुप के अंदर कौन आते हैं, तो पहले पहले देवता गण आते हैं। तो देवता गण आके कहते हैं कि भाई आप हमको उपदेश दीजिए कि हम आगे जाके अपने जीवन में क्या करें। तो जो प्रजापति हैं वो प्रजापति उनसे कहते हैं, वो खाली एक शब्द कहते हैं, एक पूरा शब्द भी नहीं कहना चाहते, एक अल्फाबेट कहते हैं। तो वो अल्फाबेट क्या है, वो दा दा करके कहते हैं। तो देवतागण जो जितने थे गए थे वो बोलते हम समझ गए हमको क्या करना है, तो वो चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद में ह्यूमन बींस जाते हैं, जो मनुष्य गण है वो जाते हैं। तो वो तो रजोगुण के अंदर है, तो वो जाके उनको पूछते हैं कि हमको क्या करना है। तो प्रजापति उनसे कहते हैं दा, तो मनुष्य भी कहते हैं ठीक है हम भी समझ गए, और चले जाते हैं। और फिर उनके घर जाते हैं असुरास। तो असुरास जाते हैं, तो असुरास कौन से गुण में है, तमोगुण में। तो वो जाके पूछते हैं कि हम क्या करें। तो वहां पर भी जो प्रजापति उनसे कहते हैं कि दा, तो असुरा कहते हैं ठीक है हम भी समझ गए। तभी तीनों जन क्या समझे, तो देवतागण से जो भी पूछा गया, जब प्रजापति ने कहते हैं आपने दा से क्या समझा, तो उन्होंने कहा दाम्यता। तो दाम्यता का मतलब क्या होता है कि देवताओं को क्या करना चाहिए, उनको सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल करेंगे तो वो प्रगति करेंगे आगे की तरफ, वो आगे की तरफ प्रगति करेंगे तो उन्हें यानी सतो से वो शुद्ध सतो गुण में जा सकते हैं, अगर वो अपने आप पे कंट्रोल कर रखेंगे। तो दैट इज दाम्यता इज सेल्फ कंट्रोल। ह्यूमन बींग्स को जब पूछा गया कि आपने दा से क्या मतलब अर्थ निकाला, तो उन्होंने प्रजापति को जवाब दिया कि हमने दा का मतलब लगाया दाता यानी देने वाला, टू गिव इन चैरिटी। टू गिव इन चैरिटी का मतलब क्या है कि आपको हर चीज से विरक्ति करनी है, और ये विरक्ति फल्गु वैराग्य नहीं होना चाहिए। ये वैराग्य कैसे होना चाहिए कि सही मनों में आप जो है प्रयास कर रहे हो, और हर मतलब आप देवताओं की स्थिति पर आने का प्रयास कर रहे हो, ताकि आप ये भौतिक चीजों को के अंदर से आसक्ति धीरे धीरे आपको निकालनी है। इसके लिए आप जब चैरिटी देते हो, आप देते जाओगे यानी हर चीज को त्याग करते जाओगे, तब आप आगे रजोगुण से आप सतोगुण की तरफ बढ़ सकते हो, और ऐसे आपका आपकी और प्रगति होगी। जब असुरों को कहा गया कि आपको क्या करना है, तो बोला तुमको क्या करना है, तो जो भी असुर गण है वो कौन से तमोगुण के अंदर है, तमोगुण के अंदर बताया गया कि तुमने दास से क्या समझा। उन्होंने कहा हमने समझा कि हमको दया करनी चाहिए, तो असुरों को दया करनी चाहिए, जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको देना चाहिए, दे हैव टू बी कंपैशनेट, दे हैव टू गिव चैरिटी, एंड देवतास गण जो है उनको दाम्यता, उनको अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए और कंट्रोल की लेवल को बढ़ाना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। तो ये जो था, हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस विषय के ऊपर, एंड बहुत सारे पॉइंट्स जो है ऑलरेडी इसके अंदर श्लोका के अंदर मेंशन है, तात्पर्य के अंदर। तो यू कैन रीड देम एंड यू कैन अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, किसी को कोई पॉइंट्स ऐड करनी हो या किसी को कोई और इसमें ऐड करना हो, तो प्लीज डू दैट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु। ऐसे प्रभु ने आज का जो टॉपिक था बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट था प्रभु, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं हमारा पूरा एग्जिस्टेंस इधर ये मन की वजह से ही है। क्योंकि जैसे आपने बताया, एक तो मंकी है और ऊपर से उसको अगर शराब पिलाया जाए तो फिर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको जितना हो सके हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते, आपने बहुत सारा अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रभु। एंड वही आइदर इट कैन बी आवर बेस्ट फ्रेंड, एक्चुअली एज ऑफ नाउ इट इज वर्स्ट एनिमी। एंड एवरी जो भी कुछ हम लोग यहाँ पे हो रहा है मन की वजह से ही हो रहा है, एंड बिकॉज इट इज नॉट अवर फ्रेंड, इट इज टेकिंग अस टू माया। ओनली वेन इट विल बिकम अवर एक्चुअल फ्रेंड बेस्ड ऑन शास्त्र, इट विल हेल्प अस टू प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक चीज अगर कंट्रोल में आ गया, हमारा दोस्त सही में फ्रेंड बन गया, तो कृष्णा कॉन्शियस लाइफ विल बी वेरी वेरी मतलब अपना वी कैन प्रोग्रेस वेरी रैपिडली। थैंक यू प्रभु, दंडवत फॉर दिस वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, दंडवत।
कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा उद्धव कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपका वो जो थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग जो था ना, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु जी, क्योंकि आज के कितना, मतलब हम लोग कितना चैंटिंग करते हैं, लेकिन अभी भी हल्का सा भी अपमान सहन करने को वो तुरंत एक्सेप्टेंस में आता नहीं है कि छोड़ दो करके, और भी तुरंत रिएक्शन में चले जाते हैं हम लोग। ये थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग के लिए थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं, उस पर मेहनत करना पड़ेगा। आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा ये था इन्फॉर्मेशन प्रभु जी। थोड़ा ये चाहिए कि इसको हम लोग कैसे इम्प्रोवाइज करें प्रभु जी, मतलब वो विलिंग की तरफ, हम लोग विलिंग को जो कंट्रोल करना चाहिए, वो विलिंग को कैसे कंट्रोल करें। मतलब कहने के लिए तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत हम लोग इनसिग्निफिकेंट है, छोड़ दो, लेकिन जब एक्चुअली सिचुएशन में आते तो तुरंत हम लोग रिएक्शन में घुस जाते प्रभु जी, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हरे कृष्णा। या वेरी नाइस क्वेश्चन प्रभु, क्योंकि समय का शॉर्टेज था, इस वजह से आगे बात नहीं कर पाए। तो जैसे सर्वभूम प्रभु का ये उदाहरण ले रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि अगर सपोज आपके मन में पहले तो आपने थिंकिंग आ गई, थिंकिंग कैसे आई, जब ये आपके सेंस ऑर्गन्स ने वो काम कार्य किया। अब सेंस ऑर्गन्स से कैसे कार्य किया, आपके नाक को पता चला कि जलेबी की खुशबू आ रही है, गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही है, और ये फला फला रेस्टोरेंट के अंदर बहुत अच्छी जलेबियाँ, ये हलवाई के वहाँ पर अच्छी जलेबियाँ बनती हैं, तो आप वहाँ से गुजर रहे हो, आपके नाकों नथनों के अंदर उसकी खुशबू आ गई, तो वो इंद्रियों का काम है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपने नाक से उसको पता चल गया कि वहाँ जलेबियाँ बन रही, उसके बाद फीलिंग तो आपने पहले कभी खाया होगा जलेबी उस बंदे का, तो आपको याद है, तो बोलेगा यार इसकी जलेबियाँ वाकई अच्छी है, तो आपके मुँह में पानी आ जाता है, तो ये आपने फील किया कि भाई उसकी स्वीटनेस कितनी है। अभी दूसरा क्या है कि विलिंग, अभी विलिंग यानी आप अपने दूसरे जो इंद्रियों को उस तरफ ले जाते हो, तो उनको वहां रोकना है, तो उनको वहां रोकना है, तो ये कैसे हो जाता है कि भाई ये आपने उसको जोर जबरदस्ती की, आपने वो जो दूसरे अंग हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपके हाथ है, हाथ पैर है, उसको आपने जाने नहीं दिया, बोला नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो उस समय मन को सर्वभूम प्रभु बताते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, सर्वभूम प्रभु बताते हैं उस समय आपको क्या करना चाहिए। उस समय ये सोचना चाहिए कि ये जलेबियां तो मुझे खानी है ना, तो क्यों ना मैं पहले ठाकुर जी को ऑफर करके बाद में मैं जलेबियां जो है खाऊं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, जब आपको आप इससे और एक स्टेप आगे कैसे, नहीं मैं अब जाऊंगा घर जाके, आज मैं जो है जलेबियों का जो ये बैटर है वो बनाऊंगा, बना के अपने वाइफ से कहूंगा, ये मैं खुद जो है इसको जलेबियां मैं बनाऊंगा, खुद बनाऊंगा उसको जो है उस प्रॉपर एटीट्यूड के अंदर, उस प्रॉपर जो है तरीके से मैं बना के ठाकुर जी को ऑफर करूंगा और उसके बाद में खाऊंगा। तो दिस विल प्रोलॉन्ग द प्रोसेस, एट द सेम टाइम इट विल ट्राई टू कंट्रोल द रेस्ट ऑफ योर सेंसेस। यानी आप जलेबी इमीडिएटली नहीं बना सकते, उसके लिए आपको उसको बैटर बनाना पड़ता है, उसको बैटर के अंदर जो जिसके फर्मेंटेशन होती है, उसके बाद में आप उसको बनाते हो, उसके लिए चार्स बनानी पड़ती है। तो जब आप ये करोगे पूरा प्रोसेस, और आपने तभी भी ये सोच के रखा है, भले आपका पूरा मन आपका केंद्रित है जलेबी खाने के ऊपर, मगर फिर भी आप वो क्या कर रहे हो, नहीं मैं ठाकुर जी को अपने हाथ से बनाई हुई जलेबियां बना के ऑफर करूंगा और बाद में खाऊंगा, पहले मैं ठाकुर जी को ऑफर करूंगा, मैं क्यों खाऊं पहले ठाकुर जी को। तो जब ऐसे मन को हम जो है मॉड्यूलेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो जो प्रोसेस है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, और यहाँ तो उसके अंदर हमको इंटरेस्ट कम हो जाता है। यानी जैसे अगर कोई ऐसी चीज है जो नुकसान कारक होगी तो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, तो बोले छोड़ नहीं यार, बात खत्म हो गई, क्योंकि तब तक आपका जो पैरामीटर्स है, दिमाग के पैरामीटर्स है कम हो जाते हैं, गर्माश कम हो जाती है, दिमाग के अंदर जो है किसी से बदला लेने की जो है कम हो जाती है। और दूसरा यह है कि अगर आपने उसको प्रोसेस किया, तो आप उसके अंदर, और जब आपने ऐसा कार्य किया, आपने जलेबियों का जो बैटर बनाया, आज बनाया, कल आपने बैटर उसको जलेबियों को फ्राई किया, आपने चाश में डाला और ठाकुर जी को ऑफर किया, देन यू विल एंजॉय, देन यू विल रियली फील, ओ दैट्स वेरी नाइस, आई हैव ऑफर टू द लॉर्ड एंड नाउ आई एम हैविंग इट। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि पूरी तरह से आप कंट्रोल हो जाओगे। तो ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि हाउ वी कैन कंट्रोल दैट, यू नो हाउ कैन वी एक्ट ऑन द विलिंग पार्ट ऑफ इट, कि विलिंग तो है, उनको करना है, मगर दूसरा जैसे उदाहरण के अंदर ही बताया गया कि
हम कितने इनसिग्निफिकेंट है वो अगर बार बार हम अपने आप को जैसे बैश करते रहेंगे, बार बार अपने आप को मारते रहेंगे कि भाई हाउ इनसिग्निफिकेंट आई एम, हम क्या मैं लाइक यू नो मोदी तो नहीं हूँ, अभी मोदी तो कुछ भी नहीं है, मगर अगर जैसे उसका एग्जांपल आपने खुद ही बताया था कि एक जगह पे एक आदमी रह रहा है, वो अपने आप को इतना बड़ा मान रहा है जबकि वो थाना के अंदर एक छोटे से घर के अंदर वन बेडरूम हॉल के अंदर कहाँ एक उसमें ठहरा हुआ है, और वो बोलता है मैं इसको ऐसे करूंगा मैं वैसे करूंगा, देन व्हेन ही सेज आई एम सो इनसिग्निफिकेंट मैन, मैं इधर रह रहा हूँ, मैं थाना की कॉलोनी के अंदर रह रहा हूँ, वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है, इंडिया कहाँ है, वर्ल्ड के अंदर अपना ग्लोब के अंदर है, ग्लोब कहाँ है, कौन सा मतलब एक छोटा सा जीव में हूँ, एंड इन कंपैरिजन आई एम इवन इनसिग्निफिकेंट, जैसे हम हमारे लिए एक बैक्टीरिया या हमारे लिए जो अनसीन बैक्टीरिया कितना इनसिग्निफिकेंट है, वैसे मैं इनसिग्निफिकेंट हूँ दूसरों के आगे, भगवान के आगे। तो ऐसे जब विचार आते हैं तो अपने आपको इनसिग्निफिकेंट का कहने का मतलब ये कि देन यू सी छोड़ ना यार मेरे कर्मा होंगे, जब हम जिससे जुड़ते हैं व्हेन वी गो इनटू द स्पिरिचुअलिटी द आचार्यस दे टीच अस कि भाई ये तो मेरे कर्मा होंगे, मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ, बिकॉज ऑफ माय कर्म। तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, और किसी और को कोई पॉइंट्स ऐड करनी, यहाँ पर दूसरे भी हैं, सूरत माधव है और दूसरे अच्छे भक्त हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू दोपरेश प्रभु जी। एक्चुअली आपने वो जो ये बताया है जो सिचुएशन, वो बात सही है कि मैं इस सिचुएशन में हूँ मेरे कर्म के वजह से, लेकिन वो तुरंत अभी ना अप्लाई करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट हो जाता, तुरंत हम लोग रिएक्शन में घुस जाते प्रभु जी, तो वहाँ पे फिर वो क्या होता है, वो जो सिचुएशन है और खराब हो जाती है, तो उसके लिए। लेकिन प्रभु जी आपने बताया वो मतलब अच्छा बताया, इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो आप बोल रहे हो आप एकदम सही बोल रहे हो, दरअसल क्या यदि बैठ के ये प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम ये बात कर सकते हैं, मगर इसको प्रयास ही करना है, तो प्रयास इसके दूसरा कोई चॉइस नहीं, जैसे उपचला हरे कृष्ण एंड फीलिंग इज नहीं सर नॉट अंडर बट हाँ सॉरी उद्धव प्रश्न प्रभु जी बताइए बोलिए। वो एक्चुअली गलती से उनका शायद सूरत माधव प्रभु जी का अनम्यूट हो गया था। हाँ नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई हमको सिर्फ प्रयास करना है, जैसे अभ्यास है ना तो कौन थे है? कोई भी अभ्यास के साथ ही आएगा, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट द साधना इज ऑल अबाउट, कि धीरे 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 हमको उसको एक्सेप्ट करना है कि हाउ इनसिग्निफिकेंट आई एम। वो जब तक हम वो जो एरोटिक रहेंगे, एकदम अकड़ के रहेंगे, जिसको बोलते हैं कि झुकेंगे नहीं, तो जैसा भी वो आ गया झुकेगा नहीं सारा, तो ऐसा तो फिर नहीं चलता है ना। वो जब तक झुकेगा नहीं, तृणाद पी सुने के ना, अगर हम लोग तृण की तरह विनम्र नहीं होंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति का मेन तो वही है, वो प्रिंसिपल ही वही है। यस प्रभु जी, तृणादुपी सुनिचे ना हर बार याद रखते रहना पड़ेगा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। या लाइक अभी जो प्रभु ने बोला था प्रभु, लाइक एक जस्ट मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसा शेयर करता हूं, तो लाइक आपने जो बोला एकदम परफेक्ट प्रभु, अभ्यास ही है उसका। तो घर पे क्या होता है ना, मेरी माँ का एक आदत है, वो वॉशरूम में बकेट फिल करने रखती है एंड देन शी फॉरगेट्स, वो किचन में चली जाती है और वो बकेट पानी भर के ओवरफ्लो होते रहता है और इट इज फ्लोइंग, बट शी सो मतलब उसका नेचर ही ऐसा है, वो उसको ध्यान नहीं देती। तो इनिशियली ना मेरा और माँ का हमेशा झगड़ा होता था कि अरे ये कृष्णा का रिसोर्स है, आगे चल के पानी भी नहीं मिलने वाला है और इसको वेस्ट कर रही हो।
इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट वो मेरे से आर्ग्यू करती थी तो क्या हुआ, मैं अकेली वेस्ट करती हूँ, ऐसा मतलब हमेशा झगड़ा होता था. फिर धीरे धीरे आई थॉट कि आफ्टर ऑल शी इज माई मदर, वो मेरे लिए क्या क्या करती है, तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग लेट मी पुट ऑफ द मतलब मैं खुद बंद करता हूँ टैप को एंड आई प्रे टू कृष्णा कि उसको इंटेलिजेंस दो. बट जो मन जो है इट्स ऑलवेज यार ऐसा कैसे चलेगा, तुम उसको डांटो उसको समझाओ. लेकिन वो धीरे धीरे आई स्टार्टेड टेलिंग माई माइंड कि नो प्रॉब्लम, तुम उसमें बीच में मत पड़ो, आई विल डू माई पार्ट एंड आई प्रे टू कृष्णा. बट स्टिल द माइंड इज टू ऑलवेज टेल नहीं नहीं आप उसको डांटो, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन शी वेस्ट एंड हाउ कैन बी शी सो एरोगेंट, मतलब उसका गलती है और मानने के लिए भी रेडी है नहीं है, तो आप उसको डांटो. बट आई टू टेल माई माइंड नहीं 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 वो छोड़ो, जो होना है होने दो, आई विल टेक, मतलब तो ऐसा रहता है. और धीरे धीरे अभी माइंड क्या हुआ, सिंस आई स्टार्टेड इग्नोरिंग इट इट्स डिक्टेशन, उसने भी अभी बोलना ही छोड़ दिया. इट इज ऑल्सो फीलिंग एम्बेरेस्ड, मैं इसको इतना बोल रहा हूँ फिर भी ये मेरा बात नहीं मान रहा है. सो माइंड को भी क्या होता है, इट्स फील्स इंसल्टेड. और धीरे धीरे अभी वो माइंड है वो इट इज स्टॉप डिक्टेटिंग कि उसको आप डांटो वगैरह. तो ऐसे मतलब जितना आप माइंड को इग्नोर करेंगे ना, इट इज ऑल्सो लाइक उसको भी एक इंसल्ट होता है. जैसे अगर मैंने अगर किसी प्रभु को कुछ एडवाइस दिया बार बार और वो सुन नहीं रहे, सो वी ऑल्सो फील इंसल्टेड, अरे मेरी बात ही नहीं मान रहे. तो हमको माइंड को उस लेवल पे जाके ऐसा इंसल्ट करना है बिकॉज इट इज नॉट प्योर. अगर प्योर माइंड है तो इट विल गिव यू गुड एडवाइस, लेकिन जो कंटेमिनेटेड माइंड है, जो अनकंट्रोल माइंड है, वो आपको हमेशा बुराई देगा. ये प्रभु जी के बारे में बुरा सोचो, ये प्रभु जी को नीचा दिखाओ. तो जितना हम उसको इग्नोर करेंगे इट फील्स इंसल्टेड एंड धीरे धीरे वो बोलेगा छोड़ो इसे, इसको कुछ एडवाइस ही नहीं दूंगा. तो बट इट इज ऑल प्रैक्टिस, बोलना आसान है. तो मैंने ऐसा प्रैक्टिस कर करके अभी क्या होता है, जब भी वो बकेट ओवरफ्लो होता है मैं चुपचाप जाके बंद करता हूँ और माँ को जाके बोलता हूँ कि ये बकेट भर गया था और ओवरफ्लो हो रहा था और मैंने बंद किया. सो ऐसे सर अभी वो झगड़ा कम हुआ और माइंड भी अभी मुझे ज्यादा इट डजंट एजिटेट मी कि माँ को तुम डांटो या उसको समझाओ. हरे कृष्णा, दंडवत. हरे कृष्णा, वंडरफुल एग्जांपल. थैंक यू सर. एग्जांपल करेक्ट है, लाइक यू नो द जैसे ही आपने अगर सपोज, और दूसरा एक ऐसा भी होता है कि अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, ये तो ठीक है आपकी जो बात बता रहे हैं, तो दूसरा ऐसा भी एक एग्जाम्पल है कि कोई कार्य नहीं करता तो आप जाके कार्य कर दो, आप उसको दो बार बोलो तीन बार बोलो नहीं मानता है, तो आप जाके वो कार्य कर दो, दूसरी बार उसको शर्म आएगा और वो करना शुरू कर देगा. तो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट, एक दूसरे तरीके का. जैसे उसमें बताया है मुन्ना भाई MBBS के अंदर, वो बार बार आके वहां पर थूक जाता आदमी, तो ये जाके वहां पर साफ कर दे. दिस इज वन ऑफ द वेज, इट्स अ गुड एग्जाम्पल. बट मतलब अगर जो एक मन है वो हमको बार बार यही दिमाग में डालेगा, अरे क्या मैं जाके उसकी बार बार थूक साफ करने के लिए बैठा है क्या, मैं मेरा भी कोई इज्जत है. बट ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस, यू नो दिस इज अ क्रूड एग्जांपल, हम लोग जब भी कोई कार्य करते हैं किसी को अपने मन को जो है नीचा रखने के लिए, उसको अपने उसको बार बार जब आप बैशिंग करोगे, व्हेन यू जैसे अपना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज कहते थे ना कि भाई जब तुम उठते हो जब तो 100 बार अपने जो मन को मारो जूते से मारो, और रात को जब भी सोते हो तो 100 बार झाड़ू से मारो, माने झाड़ू से मारो यानी यू हैव टू यू नो बैश योर मन. जब ऐसे करेंगे तब हमारे अंदर जो है ह्यूमिलिटी आएगी, अदरवाइज ह्यूमिलिटी विल नॉट कम. किसी और को कोई प्रश्न है या किसी को और कोई कमेंट्स है? और जैसे सनातन प्रभु, दूसरा एक जो पॉइंट था यहाँ पर जो क्लास के अंदर मैंने बताया था
कि वो लेवल कब आती है, यानी व्हेन द मन इज बिकमिंग योर फ्रेंड. तो वो मैंने बताया था कि जो स्टेजेस हैं डिवोशनल प्रैक्टिस की स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस के अंदर जब हम निष्ठा पर पहुंचते हैं, तो निष्ठा पर पहुंचने से पहले बाकी की स्टेजेस भी हैं. देयर आर दो स्टेजेस व्हेन यू रीच, मतलब पहले पहले आपके अंदर फेथ जो है, उसके बाद में साधु संघ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल दीज स्टेजेस विल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल. वो आपके जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेंगे. यानी पहले पहले श्रद्धा होनी चाहिए आप, उसके बाद में भक्तों का संघ होना चाहिए, फिर भजन क्रिया, आपकी भजन सही होना चाहिए, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति. हमारे कितने अनर्थ निवृत्ति, जब निष्ठा पे आते हैं तब आपका मन जो है वो आपका मित्र बनने का योग्य बनता है. तब तक निष्ठा तक जो है वो आपका जो बैरी है वो आपके साथ हमेशा फाइट करते रहेगा. तो ये सब जब स्टेजेस के अंदर से पास हो जाएंगे, देन द माइंड बिकम्स योर फ्रेंड, एंड व्हेन इट कम्स टू द स्टेज ऑफ निष्ठा. तो ये एक अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर. यस प्रभु जी, थैंक यू. प्रभु जी मैं अभी एग्जिट करता हूँ ग्रुप में से. हमारा भक्ति शास्त्री का क्लास चालू है 10 से 12 तक का, ये तुरंत पे लॉगिंग. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल क्लास प्रभु जी. हरे कृष्णा धन्यवाद.